अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही कमाल की अर्निंग वेबसाइट लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप मंथली हिसाब से अर्निंग कर सकती हैं, डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की वेबसाइट होने वाली है आज की, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके हमें उस पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने अर्निंग के डिफरेंट आइडियाज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर करता हूँ, तो आप जल्द से जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर लें। दोस्तों जो से आज की हमारी वेबसाइट है उसका नाम है द सोशल एलिमेंट डॉट एजेंसी। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं इनके मेन पेज पर आपको ले चलता हूँ। अब इसके अंदर आपको काम क्या करना है। दरअसल दोस्तों अगर आपने ज़रा देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अपने सोशल मीडियाज़ पर अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, अब उन्होंने रोज़ाना की बेसिस पे वहाँ पे पोस्टिंग करनी होती है। आपने इसके अंदर करना क्या है, उन अकाउंट्स को मैनेज करना है। अब जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं उसके अंदर पता नहीं कितने कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो वो खुद तो रिप्लाई करते नहीं हैं, तो वो लोगों को जॉब देते हैं कि आप हमारे अकाउंट को आके मैनेज करें, आप उनको आके उसके अंदर आके लोगों के जो उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं उनके आंसर करें। तो आपने इसके अंदर करना क्या, आपने यही उनके अकाउंट्स को मैनेज करना है कि अगर आपके उनकी कोई पोस्ट पे आके कमेंट्स करता है आपको उसका आंसर वर्ड करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इनके साथ कितने बड़े बड़े ब्रांड्स इंगेज हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये वीज़ा, एक मिनट सॉरी, यहाँ से ये देखें वीज़ा, टोयोटा, उसके बाद ओरियो, निसान, और उसके बाद एमटीवी, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये यूके टीवी, ये बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हैं, तो ये अब अपने आप तो नहीं ना कर सकते उनको मैनेज, यानी कि कोई उनकी पोस्ट पे आगे कमेंट्स करता है तो उनका खुद रिप्लाई करें, तो इनके लिए लोग हायर करते हैं जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका आंसर दें। तो इसमें वेबसाइट में ज्वाइन कैसे करना है, अपर साइड कॉर्नर में आपको तीन डॉट वाला ऑप्शन आ रहा है नज़र, उन्हें सिंपल इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने फर्स्ट पे आपको लिखा रहा है होम, व्हाट, सेकंड पे आ रहा है व्हाट वी डू, थर्ड पे आ रहा है वर्क, फोर्थ पे आ रहा है थिंकिंग, फिफ्थ पे आ रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, सिक्स पे आ रहा है टीम, सेवन्थ पे आ रहा है ज्वाइन अस, और एट पे आ रहा है कॉन्टैक्ट। आपने करना क्या है, ज्वाइन अस पे सिंपल क्लिक कर लेना है यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे लोडिंग शुरू हो गया, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपने ज्वाइन कैसे करना है। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने अपनी डिटेल बताई हुई है थोड़ी सी, आपने यहाँ पे आके करंट वैकेंसीज पे क्लिक कर लेना है सिंपल। तो यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा आपने। अब आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको काम कैसे करना है। आप देखिए ये लिखा रहा है करंट वैकेंसीज, यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल सिस्टम वैकेंसीज हैं आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अब ये सब जॉब्स हैं जो जिसको आपने करना है। एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने लोकेशन का ज़रूर ध्यान रख लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें टारगेटेड कंट्रीज़ भी हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने ढूंढनी वो वाली जॉब्स हैं जिसके अंदर लिखा हो मल्टीपल कंट्रीज़। अब ये देखें, अब ये टारगेटेड है कंट्री लंदन यूनाइटेड किंगडम, तो ये सिर्फ लंदन वाले ही कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मल्टीपल कंट्रीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे देख लेना है आपको। ये देखें ये मल्टीपल स्टेट, ये भी आप कर सकते हैं मल्टीपल स्टेट, ये देखें काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, तो आप इनके अंदर काम करके, तो आप ये टेंशन ना लें कि एक ही क्या कहते हैं वैकेंसीज हैं, इसमें आप काम करेंगे महीने के बाद आपको यहाँ से पे होगा, तो आप इसी को काम कर सकते हैं एक जॉब को ही। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर लेना है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखें उन्होंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपने बारे में कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी CV और रिज्यूम होना ज़रूरी है। आपको मैं बता देता हूँ आपने CV और रिज्यूम कैसे बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी, उसके बाद मल्टीपल सोशल मीडिया कस्टमर, सोशल मीडिया इंस्टेंट, आपको यहाँ पे वही बताया गया है कि आपने
मल्टीपल आपको अकाउंट्स दिए जाएंगे सोशल मीडियाज के, यानी कि फेसबुक पेजेस दिए जाएंगे, इंस्टाग्राम्स अकाउंट दिए जाएंगे, उन पे आपने उनको मैनेज करना है, उनके पोस्ट को मैनेज करना है, उनके कमेंट्स वगैरह को मैनेज करना है, तो ये डेली बेसिस पे आपको काम दिया जाएगा। अब आपने इसके अंदर कैसे करना अप्लाई, यहाँ पर सिंपल आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना। अब अप्लाई विद इंडेड, इंडेड एक वेबसाइट है, अगर आपका उसके अंदर अकाउंट है इंडेड के अंदर तो आप उधर से जाके भी जॉब को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इधर से ही फॉर्म को फिल करके यहाँ से इसे अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है, आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना ज़रा मेरी गौर से बात सुन लेनी है, ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ से आपने देना है ईमेल एड्रेस, के बाद देना लोकेशन आप किस जगह से हैं, अपना घर वगैरह का एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने रियल देना है सब कुछ, मेरी बात जहन में रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ नीचे सिटी पे देना है, सिटी देनी है आपने अगर पाकिस्तान से कौन सी सिटी से है, स्टेट देना है आपने आपका कौन सा सूबा है, यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या आप किसी और कंट्री से इंडिया से हैं तो वो अपना स्टेट बता के। उसके बाद आपने यहाँ पोस्टल कोड देना, पोस्टल कोड आप बहुत आसान है, किस तरह पता कर सकते हैं, गूगल में जाके अपना यहाँ पे स्टेट लिखे हो गूगल में कि पंजाब का स्टेट पोस्टल कोड क्या है, तो आपको बता देंगे कि क्या है। उसके बाद आ जाती है फ़ोन नंबर की बारी, अब यहाँ से ध्यान रखना है आपने अपना नंबर यहाँ से शुरू नहीं करना 0321, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने अपनी कंट्री का पहले कोड लिखना है। अब जैसे कि पाकिस्तानी कंट्री का कोड है +92, फिर आगे अपना 3 से आगे नंबर शुरू करना है। इसी तरह अगर आप इंडिया से कोई देख रहा है तो इंडिया वालों का +91 है 91, तो उसके बाद अपना नंबर लेके यहाँ पे अपने नंबर दे देना है, क्योंकि नंबर देना बहुत ज़रूरी है, अक्सर जब वो आप अप्लाई कर देते हैं तो वो आपसे रابطہ भी इसी के ज़रिए, नंबर के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए ही करते हैं। तो आगे आ जाती है बारी, अब वो कह रहे हैं कि अपने बारे में कुछ यहाँ पर बताएं, तो अपने बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट टाइप रोल आर यू इंटरेस्टेड इन, तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आप किस बारे में यहाँ पर क्या सुनकर आए हैं, आपको हमारी वेबसाइट के बारे में क्या अच्छा लगे, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बारी द सोशल मीडिया एलिमेंट, अब यहाँ पे आपने खुद ही लिखना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा तो आप कॉपी पेस्ट ही करेंगे मेरी देख के, तो वो वेबसाइट वालों को लगेगा कि ये स्पैम चल रहा है सब कुछ, तो क्योंकि एक ही जो सा एक बंदे ने अप्लाई किया है सब लोग वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्पैम के उसमें चले जाता है, तो फिर उन्हें लगेगा कोई गड़बड़ चल रही है, तो वो आपकी जॉब को नहीं प्रूव करेंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ से पढ़ के थोड़ा सा आपने रिसर्च कर लेनी है गूगल में जाके, उसके बाद आपने कर देना है सबमिट एप्लीकेशन, या आपकी उनके पास जो जॉब चली जाएगी आपने जो सा अप्लाई किया होगा, तो वो अवेलेबल टाइम उन्होंने बताया हुआ है कि तकरीबन 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जॉब का आंसर दे दिया जाएगा, आपके फ़ोन नंबर पे दिया जाएगा या आपके ईमेल एड्रेस पे, तो टेंशन नहीं रहनी आपको, 15 या 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने टाइम दिया है कि इसके अंदर अंदर आपको आपके साथ रब्ता कर लिया जाएगा। अगर ना भी करें तो आपने टेंशन नहीं लेनी, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर ये आपके हिसाब से जॉब नहीं होगी तो आने वाले दिनों में जब भी उनके पास कोई ऐसी जॉब होगी कि जिससे आपकी CV वगैरह मैच करती हो, आपका काम वगैरह मैच करता हो, तो आपसे ज़रूर रابطہ करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपका सब कुछ उनके पास अवेलेबल होगा, ये आप ये टेंशन नहीं लेनी, उनकी आपकी जॉब उनके पास अवेलेबल होगी, और जैसे भी आप जैसे ही उनके पास आपके हिसाब के मुताबिक का कोई काम आएगा वो आपसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है CV के बारे में, आपने कैसे बनानी है, सिंपल आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद यहाँ से मैंने सर्च किया था अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट CV, आपने सिर्फ इस पे यहाँ करके क्लिक कर लेना है, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने कैसे बना लेनी है। आपने इमेजेस में जाना है, इमेजेस में जाने के बाद आपको देखें कितने फॉर्म मिल रहे हैं, अब आपने 5-6 फॉर्म्स ओपन कर लेने हैं, उनको देख के आपने भी थोड़ा सा अपना इस तरह का फॉर्म बना लेना अपने बारे में, देख देख के उनका कोई सा जो सा बड़ा यूनिक सा उस तरह का आपने अपना CV का बना लेना है फॉर्म। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना अप्लाई, तो आपका यहाँ पे जॉब चली जाएगी। और ये ऐसी वेबसाइट में आपको पे का नहीं बताया जाता कि आपको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताया जाता है कि आप डॉलर में ही यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, जैसे आप अप्लाई करेंगे अगर आपकी अप्रूव होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितनी
पे होगी मंथली, लेकिन होगी यहाँ पे मंथली, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमें कमेंट ज़रूर किया करें यार आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे सोशल मीडिया पर आके हमें फॉलो कर लें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।